हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्प्लेंडेड मॉम्स। कैसे हैं आप सब? सो जो पेरेंट्स अपने बच्चे को सीबीसी वर्ड्स पढ़ा रहे हैं, आपसे एक क्वेश्चन है। हम बच्चे को मिडिल साउंड या इनिशियल साउंड, एंड साउंड वर्ड में आइडेंटिफाई करने के लिए क्यों देते हैं? हम क्यों कहते हैं? आपको पता है, उसको सेगमेंटेशन कहते हैं। हम जब बच्चे को सीबीसी वर्ड्स पढ़ाते हैं, यानी फोनिक साउंड्स मिला मिला कर पढ़ना सिखाते हैं, जैसे कि CAT को हम पढ़ाते हैं, क एट मिला के पढ़ो, दैट इज़ कॉल्ड ब्लेंडिंग, दैट इज़ ब्लेंडिंग। और जब आप बच्चे को वर्ड्स पढ़ा दें, मिलाकर पढ़ना सिखा दें, उसके बाद आप उसकी टेस्ट लेते हो कि आइडेंटिफाई बिगिनिंग साउंड, आइडेंटिफाई मिडिल साउंड, आइडेंटिफाई एंड साउंड, राइट? उसको कहते हैं सेगमेंटेशन। तो ब्लेंडिंग एंड सेगमेंटेशन में ये फ़र्क होता है, और सेगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई नो ब्लेंडिंग भी नाइटमेयर होता है, बहुत सारे बच्चों को फर्स्ट इनिशियली समझ नहीं आता, बट स्लोली स्लोली जब वो ए वर्ड्स के बाद ई, यानी वावल ए के बाद ई, आई, ओ, यू पढ़ते हैं ना, स्लोली स्लोली उनको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाता है। और जब तक वो यू में आते हैं ना, वावल यू के वर्ड्स में आते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ने भी लगते हैं रिलेटिव वर्ड्स को। बट सेगमेंटेशन बहुत सारे बच्चे कर नहीं पाते, और बहुत बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। सी, सेगमेंटेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है, फर्दर जब बच्चे डिक्टेशन लिखेंगे। सी, सेगमेंटेशन में क्या होता है, आप वर्ड बोलते हो या पिक्चर बताते हो, और उसका जो मिसिंग साउंड है, इनिशियल साउंड, मिडिल साउंड या लास्ट साउंड, वो आइडेंटिफाई करने के लिए कहते हो। तो ये स्किल कहाँ इंपॉर्टेंट है, जब बच्चे को डिक्टेशन के लिए कोई वर्ड टीचर देती है लिखने के लिए, तो उनको सुनना होता है ना, वर्ड सुन के उनको साउंड्स सेगमेंट करके, यानी डिवाइड करके वर्ड की स्पेलिंग लिखनी होती है। तो दैट इज़ सेगमेंटेशन स्किल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेगमेंटेशन हम सीवीसी वर्ड्स के साथ ही बच्चे को सिखाना स्टार्ट करते हैं, तो सेगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट्स वॉट आई मीन टू से। आइए देखते हैं वर्कशीट्स। वर्कशीट्स देखिए कुछ इस तरह की है। पिक्चर मैंने दिए हैं, और पिक्चर का नाम जो है बच्चे को लिखना है। ये उन बच्चों के लिए वर्कशीट जिनको ऑलरेडी जो सीवीसी वर्ड्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू के जो थ्री लेटर वर्ड्स हैं, वो सारी आती हैं। तो पिक्चर देखना है और नाम खुद लिखना है, यानी आपको खुद को, यानी बच्चे को खुद को इनिशियल साउंड, मिडिल साउंड एंड एंड साउंड आइडेंटिफाई करना है और लिखना है। और लिखने के बाद जो वर्ड उन्होंने लिखा है, उसको यहाँ पे वर्ड सर्च करना है। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने इस तरह से कुछ क्रिएट किया है। देन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्कशीट, आई वॉन्ट टू डिस्कस इट विथ यू। यहाँ पे देखिए, हम अक्सर बच्चे को पिक्चर देते हैं और कहते हैं कि मैच करो वर्ड के साथ। वहाँ पे बच्चे बताया क्या करते हैं, बहुत क्लेवर होते हैं, इनिशियल साउंड के साथ ही बच्चे वर्ड मैच कर देते हैं विथ पिक्चर। जैसे कि अगर उन्होंने BUG बग यहाँ पे देखा और पिक्चर यहाँ देखा, वो समझ जाएंगे बग होता है, तो वो मैच कर लेते हैं। तो इस वाली वर्कशीट में ऐसे नहीं है, हम इनिशियल साउंड को बच्चे को मैच करने के लिए कहेंगे विथ मिडिल एंड एंड साउंड। सो दिस इज़ वेरी ट्रिकी, और जो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं CVC में, वो ये ज़रूर कर लेंगे, बट विथ प्रैक्टिस आप बच्चे को ज़रूर इस तरह की चीज़ें भी सिखाइए। ये भी सेगमेंटेशन का हिस्सा है, जहाँ पे आप इनिशियल साउंड दे रहे हैं और पिक्चर दे रहे हैं, और बच्चे को कह रहे हैं कि आप मिडिल साउंड भी आइडेंटिफाई करो, एंड साउंड भी आइडेंटिफाई करो और मैच करो। जैसे कि बग, ब। अब नेक्स्ट वाला साउंड है अ, ग, अग, राइट? तो दिस इज़ द फैमिली हियर, UG वाली वर्ड्स। ज, ई, प, ज, ई, प, थ्री लेटर साउंड है इसमें। तो ज मैंने यहाँ पे लिखा है, अब बच्चे को ढूंढना है इप, इप यहाँ पे है। तो इस तरह से मैचिंग के लिए, तो ये दो वर्कशीट्स हैं, और कुछ वर्कशीट्स हैं, वेबसाइट पे आप जाइए, ज़रूर चेक करिए, वहाँ पे फ्री फॉर डाउनलोड है। वेबसाइट है www.splendidmoms.co.in। सी, आई वॉन्ट टू शेयर के बहुत सारी वर्कशीट्स मैं शेयर करना चाहती थी CVC वर्ड्स रिलेटेड, इसलिए मैंने बहुत सारी अपलोड की है वेबसाइट पे, आप ज़रूर चेक करिए। आई होप आपको समझ में आ गया कि ब्लेंडिंग क्या होता है, और सेगमेंटेशन क्या होता है, और सेगमेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडिड मॉम्स। Give us a thumbs up if you like the video, subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos.